हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइडेड सो दैट कोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें किस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे कि ये सारे नंबर्स क्या हो जाएँ, परफेक्ट क्यूब बन जाएँ। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये देखेंगे कि जो इनका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि क्या हो रहा होगा ना कि कोई किसी का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा होगा, तो क्या करना होगा कि वही जो नंबर जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर में। तो वो नंबर जो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट जो बचे हुए रहेंगे उन सबका ट्रिपलेट बन रहा होगा और उस समय वो परफेक्ट क्यूब बन गया होगा। तो यहाँ डिवाइड करना है, मतलब हटाना है, ठीक है, तभी मिलेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं सबका प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक साथ सबका बता देंगे कि इसमें क्या आंसर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, डेफिनेटली सबका एक साथ। ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा और फिर हो जाएगा। ओके, तो मैंने कर लिया है सबका फैक्टराइजेशन, अब इसका देखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट का जो किया फैक्टराइजेशन, इसमें आया है 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें करना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे डिवाइड किया जाए। ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाए तो जो कोशियंट हो, मैंने जो बचे डिवाइड करने के बाद, वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट क्यूब ये तभी होगा जब हम इसका ट्रिपलेट बनाएंगे इसमें, है ना। देखिए, यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट बन गया है, 5 का नहीं बन पाया है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब बताइए, तो यदि हमें इसको बनाना है परफेक्ट क्यूब तो हमें किस नंबर से डिवाइड करना होगा? तो जो बचे हुए जो 5 दो बार लिखा गया है, यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल, है कि नहीं। इसका मतलब कि 5 × 5 जो भी आएगा, 25 आएगा, तो 25 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स यदि हम इन दोनों को हटा दें, ठीक है, तो होगा क्या कि केवल जो बचा हुआ नंबर होगा, जो 27 बनेगा, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब, है कि नहीं। तो मतलब कि 25 से डिवाइड किया जाएगा, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा 25। अब सेकेंड का देखेंगे, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया है 2 × 2 × 2 ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने ट्रिपल बन रहे हैं और कितना बच रहा है, ये देख ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2 का ट्रिपल बन गया, यहाँ पर 2, 3, लेकिन 5 का नहीं बना है। ठीक है, राइट। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच
this number 8640 must be divided so that it becomes a perfect cube. Means 5 से divide करेंगे तो ये बन जाएगा perfect cube. इसका मतलब 5 is your answer here. ठीक है, this is your answer for this one. Second one, third. देखिए यहाँ पर यहाँ पे 2 का बन रहा है triplet, यहाँ पे 2 का बन रहा है और ये 5 का नहीं बन पा रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक ऐसे ही करना है. मतलब जिसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा उसको ही डिवाइड करना होगा. मींस 5 × 5 से डिवाइड करना होगा 1600 में. इसका मतलब 25 से डिवाइड करना होगा और 25 इज योर आंसर फॉर दिस वन. ओके नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे 2 का नहीं बन पा रहा ट्रिपलेट, लेकिन यहाँ पर 13 का बन गया बिल्कुल ही. तो 2 का नहीं बन पा रहा तो 2 × 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसमें. मीन्स इसका हो जाएगा आंसर आपका 4. क्लियर? ओके आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ वन. देखिए यहाँ पर 3 का ट्रिपल बन चुका है लेकिन 17 का नहीं बन पाया. तो 17 का जब नहीं बन पाया तो 17 × 17 कितना होगा? 289. मींस दिस वन 289 से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा इसमें. मींस इसका जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगी जिसे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो होगा 17 × 17. मैंने इन दोनों को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रिपल बनेगा. तो हो जाएगा 289. दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ वन. ओके द सिक्स्थ वन, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर है 10,07,811 और यहाँ पर देखेंगे पेयर बन रहा है आपका 3 का और 1 3 का नहीं बन पा रहा. कोई बात नहीं है, जितने पेयर बन जाते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए केवल, और जो बचा हुआ है वही आपका आंसर है क्योंकि उसी को हटाना है. उसे वो हट पाएगा तभी जो हम डिवाइड करेंगे 3 से, या 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो बचेंगे वो सारे के सारे जो हैं ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे. और जब ट्रिपलेट में होंगे तो इसका मतलब कि डेफिनेटली वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा. इस मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3. मीन्स 3 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी यूज्ड टू डिवाइड दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. राइट, डेफिनेटली दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए 3 का ट्यूब बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 3 का और 7 का नहीं बन पा रहा है. इट मीन्स डेफिनेटली आप जानते हैं क्या होगा इसका आंसर. 7 × 49 मीन्स 49 इज योर आंसर. मीन्स 49 वी मस्ट डिवाइड दिस नंबर 35,721 बाई 49 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर 49. मैंने इससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये मतलब कि परफेक्ट डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए. दिस इज द ओनली नंबर, मैंने जिसका पेयर नहीं बन पा रहा ना केवल उसी को से डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ पर देखिए 3 का बन गया था केवल, यहाँ पर 3 ही 3 का बना था, 1 नहीं बना था. तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 का तो बन रहा है लेकिन 1 3 छूटा है तो उससे क्या मतलब. वही जो छूटा हुआ है दैट इज द नंबर विच यू मस्ट डिवाइड बाई. ओके नेक्स्ट चलते हैं. तो हमारे पास है लास्ट वन और यहाँ पर है देखिए 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है और 5 ओके 5 का भी बन रहा है. इज इट 5 भी बन रहा है? ओके 3 3. अच्छा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एक लिख दिया है, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन सॉरी आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है एंड दैट इज माय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब मतलब राइटिंग मिस्टेक. ओके व्हाट एवर मिस्टेक यू सेम, बट यहाँ से हम देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, फिर यहाँ पर 3 का नहीं बन पा रहा, 5 का बन जा रहा है यहाँ पर. इसका मतलब कि हमें केवल ये 2 जो 3 छूट गए हैं इनको ही डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब कि इसमें जो आंसर होगा मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर विच वी मस्ट डिवाइड दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इज 3 × 9. 9 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वी मस्ट डिवाइड दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. दैट्स इट. तो आप समझ चुके होंगे इसमें करना क्या है. मतलब जिसका पेयर नहीं बनेगा फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सॉरी पेयर नहीं मतलब ट्रिपलेट, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे एंड जो जिसे डिवाइड करेंगे दैट इज योर आंसर. खैर फाइनली वी हैव सॉल्व दिस और मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. यदि डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आप समझ चुके हैं. और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि आपके मोबाइल पर डायरेक्टली जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा और आफ्टर दैट यू कैन सी यू कैन वॉच व्हाटएवर यू वांट. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.